हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टोस्टी बाइट्स। आज हम बनाएंगे चॉकोफिल कुकीज़। जी हाँ, मेल्ट इन माउथ चॉकोफिल कुकीज़, जो ना तो सिर्फ बच्चों को पसंद है बट बड़े भी बहुत ही चाव से खाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगी ये चॉकोफिल कुकीज़। चॉकोफिल कुकीज़ बनाने के लिए हम लेंगे बटर 110 ग्राम्स, ये रूम टेम्परेचर पे है। इसी के साथ में हम लेंगे कैस्टर शुगर 160 ग्राम्स, एक अंडा। अगर आप अंडा इसमें ना डालना चाहें तो आप हाफ कप क्रीम ले सकते हैं। इसी के साथ में लगेगा मेल्टेड चॉकलेट 130 ग्राम्स। हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे रखा है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर 200 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। इस सब के साथ में लगेगा कोको पाउडर 30 ग्राम्स, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून और कुछ चॉको चंक्स चॉको फिल्ड कुकीज़ को फिल करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कैसे बनेंगी चॉको फिल्ड कुकीज़। चॉको फिल्ड कुकीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बटर, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। इसी में मैं ऐड करूँगी अपनी शुगर, कैस्टर शुगर, इसको हम सीव कर लेंगे। कैस्टर शुगर डालने से पहले, उसको सीव करने से कुकीज़ जो हैं वो ज़्यादा स्मूथ बनती हैं, तो मैं इसको अच्छे से सीव कर रही हूँ। तो मैंने रूम टेम्परेचर के बटर के ऊपर कैस्टर शुगर को सीव करके डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में, बट बहुत ज़्यादा भी क्रीमी नहीं बनाना है। तो आप देखिए किस ढंग से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल स्पैचुला से ही इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो बटर है वो शुगर में अच्छे से लग जाए। मैंने ये बटर और शुगर को मिक्स कर लिया और अब मैं इसको इस ढंग से थोड़ा सा बीट कर रही हूँ, ताकि इसका थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, क्योंकि जो चॉको फिल्ड कुकीज़ होती हैं वो थोड़ी कोर्स होती हैं बाहर से, तो बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं करना है। जब भी हम कुकीज़ बनाते हैं उसके दो मेथड होते हैं, या तो हम उसका टेक्सचर क्रीमी देते हैं या तो हम सैंडी देते हैं। तो ये वाले जो चॉकलेट की जो कुकीज़ हैं, इसका हमें जो टेक्सचर है बाहर से वो थोड़ा क्रीमी देना है, पर कोर्स क्रीमी देना है। तो हम इसको हल्का सा ही बीट करेंगे कि ये कंबाइन हो जाए। हम डालेंगे इसके अंदर एक अंडा, इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये हमारे बटर और शुगर के मिक्स में अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से। बटर, शुगर और एग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। कोर्स क्रीमी सा टेक्सचर हमने इसको दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। वनीला एसेंस के साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के टाइम पे भी हमें उनको सीव करना है। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मैदा, इसको हम अच्छे से इसमें सीव करेंगे। के साथ साथ हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। कोको का पाउडर हमने कुछ 30 ग्राम्स के करीब इसमें लिया है। इसको भी हम सीव कर लेंगे। अब इसमें डलेगा हमारा लास्ट ड्राई इंग्रेडिएंट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बटर शुगर के मिक्सचर के साथ में मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मेल्टेड चॉकलेट। मेल्टेड चॉकलेट बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, सो आप मेल्ट करके इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा बैटर मिक्स करने के बाद देखिए एक बढ़िया सा कुकी डो रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा सा मिक्स देंगे, ताकि कहीं पे भी कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट रह ना जाए, और इस मिक्स के बाद हमारा कुकी डो पूरा रेडी हो जाएगा।
वाओ, सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके हमने ये बढ़िया सा कुकी डो रेडी कर लिया है। ये हमारा कुकी डो चॉको फिल्ड कुकीज़ का रेडी हो चुका है। इसको देखकर तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको अब हम रखेंगे रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट्स के लिए ढककर। तब तक हम अपना अवन प्रीहीट करेंगे 180 डिग्रीज पे। बैटर को रेस्ट करते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं और हमारा जो अवन है वो भी रेडी है। तो चलिए फटाफट से कुकीज़ बनाते हैं और इसको हम बेकिंग ट्रे में रखते हैं। से बेकिंग ट्रे ले ली है जिसके ऊपर मैंने पार्शमेंट पेपर लगाया है, या तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं। अब हम इस पर कुकीज़ बना के रखेंगे। कुकीज़ बनाने के लिए कुकी बैटर के साथ में मैंने लिए हैं कुछ चॉकलेट के चंक्स। मैंने चॉकलेट को रफली काट लिया है, छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी कुकीज़ कैसे बनाएंगे। हम लेंगे हाथ में थोड़ा सा कुकी का डो, कुछ इस ढंग से इसको रोल करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे चॉको का एक चंक इस ढंग से, और इसको फिर हम वापस से बंद करके रोल कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कचौड़ियाँ बनती हैं। तो हमने डो लिया, डो के अंदर पिट्ठी डालते हैं हम कचौरी में, तो हमने इसमें चॉकलेट डाला और ये हमारा कुकी रेडी हो गया। इसको हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने कुकीज़ को रोल करके इस ढंग से बेकिंग ट्रे पे रख दिया है और मेरा अवन 180 डिग्रीज पे प्री हीट भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इनको बेक करते हैं। ये हम बेक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और 10 से 12 मिनट में ये परफेक्टली बेक हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चॉको फिल्ड कुकीज़ तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। ऊपर से थोड़ी सी क्रैकी, नीचे से फर्म, बहुत ही बढ़िया सी कुकीज़ दिख रही हैं। आप इनको इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, और बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसको आप उनको दे सकते हैं दूध के साथ और इसी बहाने शायद वो दूध पी लें। तो चलिए, ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टोस्टी बाइट्स पे, या मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर।